Hello friends, I welcome you all to Guru Mantra classes. Today we are going to see chapter number 2 for Indian Polity and we'll see a proper timeline. हम इसमें proper timeline देखेंगे कि chapter 2 में जितने भी laws enact हुए हैं और constitution कैसे बना है, कौन-कौन सी committees बनी हैं, कौन-कौन उसके members थे, ये सारी चीजें हम इस chapter में देखने वाले हैं. तो let's start. और सबसे पहले आप इस chapter में जो previous quiz था, उसके answers आप देख लो, आपके सामने screen है. तो first का answer होगा Shah Alam, second का answer is 1774, third is Charter Act of 1853, fourth is 1858, fifth is Lord Morley, sixth is Lord Minto, 7th is none of the above, 8th is Clement Attlee, 9th is C. Rajgopalchari and 10th is 321. So, ये आपके answers हैं, आप इसको match करके comment section में अपना score लिख सकते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि जो Indian Polity है, इसका chapter 2 है, जिसमें हम देखेंगे कि constitution जो बना है, वो कौन-कौन से timeline पे बना है और कौन उसके, जो मेन हेड थे वो कौन थे और ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं. तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1934 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक आइडिया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए. 1934 में ये आइडिया दिया गया था एमएन रॉय के द्वारा. एमएन रॉय जिनको हम कहते हैं पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, इन्होंने ही आइडिया दिया था कि हम कम्युनिस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एस्टैब्लिश करेंगे. 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी सेम चीज का डिमांड रखा कि हां हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए. फिर 1940 में ये एक्सेप्ट हो जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा, 1940 में जाके ये एक्सेप्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं अगस्त ऑफर. 1942 में फिर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक ड्राफ्ट भेजते हैं जो कि रिजेक्ट कर दिया जाता है मुस्लिम लीग द्वारा कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनको दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए थी इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, एक मुस्लिम्स के लिए और एक हिंदूज के लिए जो भी है इंडियंस के लिए. तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज उनको बनानी थी इसलिए उन्होंने ये जो ड्राफ्ट था इसको रिजेक्ट कर दिया था. 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन सेंड किया गया जिसमें कि तीन ब्रिटिश थे जैसे कि क्रिप्स, अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस, ये तीनों थे, व्हिच प्रेजेंटेड इट्स फर्स्ट प्लान ऑन मई 16, 1946 एंड अबॉलिश द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो तो जो ये कैबिनेट मिशन आया था इन्होंने बोला कि ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है ये नहीं चलेगा. ठीक है, उसके बाद जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ कि इलेक्शंस हुए जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य को मिली 15. दो ब्रिटिश ने इन सीट्स को डिवाइड किया ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट में, जिसमें कि 296 ब्रिटिश इंडिया सीट था जिसमें कि 11 जो थे वो गवर्नर प्रोविंस और चार जो थे वो चीफ कमिश्नर के लिए सिलेक्ट हुए थे. गवर्नर प्रोविंसेस जो कि मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बंगाल, असम और इसके जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे जैसे दिल्ली, अजमेर, कूर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए किसी भी हालत में कि गवर्नर प्रोविंसेस कौन से थे, ठीक है, कमिश्नर प्रोविंसेस कौन से थे, ये आपको याद रहना चाहिए. तो गवर्नर प्रोविंसेस में कौन कौन से थे, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बंगाल और असम, और चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे दिल्ली, अजमेर, कूर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान. तो सीट्स को डिवाइड कर दिया गया, सीट्स वर डिवाइडेड एज वन फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, हर एक मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट को डिवाइड कर दिया गया और कम्युनिटीज में भी इन सीट्स को डिवाइड किया गया जैसे सिख, मुस्लिम और ये जो भी था पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट इसको डिवाइड किया गया. जो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको नॉमिनेट उनके ही द्वारा किया गया और however, no seat got filled as all princely states stayed away from the election. तो princely states के seats इसलिए full नहीं हुए क्योंकि इन्होंने participate ही नहीं किया election में. उसके बाद
इसमें सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी सिवाय गांधी जी के, तो गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। नवंबर 1946 में असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होती है और दिसंबर 9th 1946 में इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा एक जो थे वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे थे, जिसमें कि फ्रेंच ट्रेडिशन को फॉलो किया गया था जो कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर जो होता है उसको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो ये एक फ्रेंच ट्रेडिशन था जिसको हम फॉलो कर रहे थे। तो इसमें टोटल 211 अटेंडीज थे जिसमें कि मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था क्योंकि वो पाकिस्तान अभी भी डिमांड कर रहे थे, तो टोटल 211 लोग इसमें अटेंड किए थे। अब दिसंबर 11th 1946 में क्या होता है, इसकी सेकंड मीटिंग होती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनते हैं। असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी एक्ट कर रही थी और एंड व्हेन इट डिड, जब ये फर्स्ट इलेक्टेड बॉडी की तरह एक्ट कर रही थी तो इसके प्रेसिडेंट थे जीवी मावलंकर। दिसंबर 13, 1946 में क्या हुआ, नेहरू ने प्रेजेंट किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, काफी इंपॉर्टेंट है ये, देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, जिसको अडॉप्ट किया गया जनवरी 22, 1947 में। तो ये आज का जो प्रियम्बल आप देखते हो ना, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वही था जो नेहरू ने कब दिया था, 1946 में, इसको अडॉप्ट किया गया था 1947 में। तो आज का प्रियम्बल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशन एंड सैट फॉर 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टोटल टाइम कोई अगर आपसे पूछता है तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और द फर्स्ट ड्राफ्ट वर प्रेजेंटेड इन फेब्रवरी 1948, सेकंड इन अक्टूबर। तो फर्स्ट ड्राफ्ट फेब्रवरी में दिया पेश किया गया और सेकेंड जो था वो अक्टूबर में। उसके बाद ड्राफ्ट को टोटल 114 डेज लगे और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर 60 कंट्रीज विजिट किए और 6 लाख रुपए उस वक्त का खर्च हुआ इसको बनाने में। तो मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर दिया था तो असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी वो 299 हो गई थी, इंडियन प्रोविंसेस एंड 70 प्रिंसली स्टेट्स। उसके बाद इन्होंने क्या कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को रेटिफाई कर दिया कि ठीक है हम इसके मेंबर बनेंगे। कॉमनवेल्थ मेंबरशिप वो मेंबरशिप होती है जो ब्रिटिश के कभी ना कभी कॉलोनीज रहे हैं वो कंट्रीज। तो कॉमनवेल्थ मेंबरशिप में 1949 में रेटिफाई कर दिया गया था। इंडियन नेशनल जो नेशनल फ्लैग है हमारा वो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था, नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था और नेशनल सॉन्ग जो है वो भी 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो कि 24 जनवरी 1950 को बने थे। तो ये सारी चीजें आपको इस टाइमलाइन के थ्रू याद रखनी है, इसमें से जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने डाल दी है, आपको इसमें से जो भी चीजें हैं उसको अच्छे से अडॉप्ट करना है और उनको देखना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। वैसे तो सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है बट आपको इनको बार 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 रिविजन करना है ताकि ये सारी चीजें दिमाग में बैठ जाए। ये टाइमलाइन आपके दिमाग में होना काफी जरूरी है कि कब क्या चीजें हुई थी और कैसे सारी चीजें डिवाइड हुई हैं। उसके बाद हम देखेंगे कमिटीज और उसके हेड्स। तो कमिटीज और उसके हेड में हम देखेंगे कि जो नेहरू जी थे उनको मिला था यूनियन पावर या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, पटेल जी जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन मिला था, अंबेडकर को ड्राफ्टिंग के लिए मिला था, पटेल जी को फिर अगेन एडवाइजरी ऑन माइनॉरिटीज एंड फॉरेन रिलेशन मिला था, राजेंद्र प्रसाद को रूल्स ऑफ प्रोसीजर मिला था। ड्राफ्टिंग कमिटी में 7 मेंबर्स थे जिन्होंने फाइनल ड्राफ्ट जो था वो 4th नवंबर 1948 को प्रेजेंट किया था और ये इनैक्ट कब हुआ था, 26th नवंबर 1949 में। तो इसमें आर्टिकल्स कितने थे उस वक्त, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और इसमें 284 प्रेजेंट मेंबर्स ने साइन किया था टोटल 299 मेंबर्स में से। मैंने दिखाया था आपको कि यहाँ पे 299 मेंबर्स हो गए थे जब इसको मुस्लिम लीग ने विड्रॉ किया था, तो यही 299 मेंबर्स से 284 मेंबर्स ने इसको साइन किया था जिसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। तो 26 जनवरी वो दिन है उसको इसलिए चूज किया गया, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो ये डेट इसलिए चूज किया गया क्योंकि इस दिन पे पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट
किया जाता है। 1930 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इस दिन हम पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट करते हैं, इस वजह से 26 जनवरी का डेट चुना गया था। तो जो इसकी फर्स्ट सील थी वो एलिफेंट था, विद एडवाइजर बी एन राव। एडवाइजर कौन थे? बी एन राव, सेक्रेटरी एच वी आर आयंगर और चीफ ड्राफ्टमैन एस एन मुखर्जी। तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सील बस याद कर लो, क्योंकि ये कभी कभी स्टेट पीसीएस जैसे क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि सील किसका था, तो वो एलिफेंट का था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर, इसके कैलीग्राफर जो थे वो प्रेम नारायण रायजादा थे। नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किया है, हिंदी वर्जन डेकोरेट किया गया है नंदलाल बोस और वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा। तो इससे हमने इसमें इस चैप्टर में हमने पढ़ा कमिटीज और उसके हेड्स, और हमने देखा पूरी टाइमलाइन कि कैसे सारी चीजें शुरुआत से किसने इसको आइडिया दिया, कैसे बाकी लोगों ने इसको डिमांड किया, अगस्त ऑफर क्या था, कैबिनेट मिशन क्या था, ब्रिटिश की सीट्स किन किन राज्यों में डिवाइड हुई, उसके बाद कितने मेंबर्स थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में क्या हुआ, ये सारी चीजें हमने इसमें देखी थी, कितने मेंबर्स आए थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आज का प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा था, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग हमने कब अडॉप्ट किया था, कौन फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, कमिटीज और उसके हेड्स देखे। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में देखी है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे कि ये सारी चीजें जो है प्रियम्बल हमारा, वो प्रियम्बल कैसे बना, क्या क्या प्रोविजन इसमें है और इसमें क्या क्या चीजें हमें याद करने वाली चीज है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। Till then, stay tuned to Guru Mantra classes. I'll see you in the next lecture. Thank you so much. And for more tutorials, please subscribe to Guru Mantra channel. Thank you and all the best.